साल फ्रंट में काम करते हुए मैं खुद पॉजिटिव हो गया, उसकी वजह से मेरी मम्मी पॉजिटिव हो गई, मेरे जीजा जी पॉजिटिव हो गए, मेरी बच्ची पॉजिटिव हो गई, तो कोरोना से दो हाथ करते हुए मैंने मेरी मम्मी को तो खो दिया। लेकिन अब नासिक में क्या हुआ, जो नासिक का जो था वहाँ के फायर ब्रिगेड वालों से भी मैंने बात किया, एक्चुअली जब भी वो क्वाक बंद करना चाहिए, अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो क्वाक बंद करना था उनका काम था, जब भी बंद कर डालना था उसमें टाइम। गए बारे के जो शासन ने एक आदेश निकाला था, ऐसा हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने शासन से आदेश आया था, उसके हिसाब से फवारनी चालू थी। बाद में इन लोगों को कुछ पर्यावरण आदि लोगों ने ये कर रहे कि झाड़ों पे सबसे अगर वो सैनिटाइजर किया गया तो उनको आप ये हो सकता है, जल सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए मलेरिया विभाग को स्पेशल ये फवारनी के वास्ते रखे हुआ है। और जो वार्ड अधिकारी है उनके अंडर में फवारनी के लोग काम करते, जहाँ जहाँ पर वार्ड में मलेरिया के लोग आए उन्हों जाके फवारनी करना चालू है, वो केमिकल उनके पास में वार्ड में उपलब्ध है और वो लोग फवारनी कर रहे हैं अभी फिलहाल में। दूसरा मेरा सवाल ऐसा था कि जो सैनिटाइजर लास्ट टाइम के आपकी गाड़ियों ने की है, तो उससे कुछ गाड़ियों को फर्क पड़ा है, कुछ डैमेज वगैरह? नहीं, गाड़ी का थोड़ा डैमेज हो गया है, जो वो तो उससे जो ऐसा गंज पकड़े हुआ जैसा ये हो गया, टाके है वो हमने पूरा क्लियर करके अभी व्यवस्थित बना ली है गाड़िया को। अभी ये पूरा जो ये जो दूसरी वेव आई है इसमें कलेक्टर साहब, महानगर पालिका कमिश्नर साहब से आपकी मीटिंग हुई है कुछ? नहीं, वैसा उनके जो रहा तो उत्तर पूर्व हमारा ये रहता, उन्होंने फायर ऑडिट करने के बोला है, शासन ने आदेश निकाला है, ये भंडारे की दुर्घटना होने के बाद में शासन ने खुद आदेश निकाला कि फायर ऑडिट करो। हमने उस लेवल पे औरंगाबाद जिले में जिला परिषद का हो, उनके 51 हॉस्पिटल है वो ये करके उनको प्रशिक्षण दिया जिला, जिसके बाद में सिविल सर्जन के 14 हॉस्पिटल है पूरे जिले के अंदर, उनको हमने वहाँ पर जाकर फायर प्राथमिक लेवल पे कैसा बुझा जाए आग उसका प्रशिक्षण दिया। औरंगाबाद में जो 29 हॉस्पिटल है महापालिका के उनके पूरे उनको प्रशिक्षण दिया, और अभी जो कोविड सेंटर 21 खुले महापालिका के अंदर उनको भी हमने वहाँ जाकर उनको प्राथमिक लेवल पर फायर उपकरण किसी प्रकार के चला जाए उसके बारे में उनको मालूम दिलाई है। उस टाइम में जो कॉलेज के इसके उसके बच्चे थे मदनी से बोल के, औरंगाबाद में जो फायर कॉलेज है यहाँ पर 9-10 कॉलेज है, उन लोगों को जो लोग थे उन्होंने मदद किए, उनको हमने वैसे पत्र दिए थे कॉलेज वालों को कि भाई हमको ऐसा ऐसा है तो आपसे जो भी ये होगी विद्यार्थी होंगे उनको हमको दो, तो उन्होंने प्रशिक्षण के वास्ते भेजते रहते हैं। इस बार बच्चे आए नहीं है, मतलब लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ था, हाँ। तो बच्चे ने पूरी मेहनत करने के बाद कुछ मानधन मांग रहे थे? नहीं, मानधन का तो उनका सवाल ही नहीं था, प्रशिक्षण जब कॉलेज से या कोई भी प्रशिक्षण लेता उसको मानधन दिया जाता नहीं। ये फायर के अंदर हम 15-15-20 दिन की जो लोगों को प्रशिक्षण देते हैं तो उसमें वो अटैचमेंट बोल के एक विषय रहता है कि उनको सिखाना, इससे उनको आगे चल के क्या बेनिफिट, उनको वो आगे उनको बेनिफिट मिलेगा कई कंपनी में, इसमें से बहुत से जो लोग बच्चे तो कंपनी में काम करते हैं आज भी। बंद करने की फौरनी का ऐसा एक आदेश था उससे भी, और जो नैसर्गिक पर्यावरणवादी लोग हैं उनका बोलना है कि सही बात है, वो डैमेज जब गाड़ी डैमेज हो सकती है तो झाड़ों को क्या नहीं, उनको भी जल सकते, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो सही उपाय, चीन के अंदर जब दुर्घटना हुई तो उन्होंने हैंड पंप से ही पूरी फवारनी की है, हैंड पंप से करना ही योग्य है। हाँ, मतलब फायर से अगर करेंगे तो वो किधर भी उड़ सकता है, वो लोगों की गाड़ियाँ है, किसकी फोर व्हीलर है, कुछ यानी सबको ये होता ना, हैंडपम्प से करा तो जितना मारने का उतना ही मारे जाता। उड़ा था कोई मोटरसाइकिल भी स्लिप हो जाते थे कभी कभी, ऐसे भी समय आया था कई जगह पे। ये जो सैनिटाइज है, ये जो अपना आम सैनिटाइज है उससे अलग होता है कि ये केमिकल क्या रहता है? केमिकल उसमें सोडियम बाया है, प्रोक्लोराइड का रहता है, उसके वजह से वो थोड़ा ये रहता है। तो वो अभी जो इनका है मलेरिया का विषय है, तो मलेरिया विभाग के लोगों ने उनका हैंडपम्प से चालू है, उनके लेवल पे वो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर इन केस
आगे आपको आदेश आता है तो क्या आप रेडी है, तैयारी है? वैसे तो आपने तैयारी तो कर सकते हैं अपन, वैसा कुछ नहीं, नहीं। महामारी है उसको करना ही करना है, कोविड आपत्ति है, आपत्ति में तो काम करना ही लगता है। लेकिन मैन पावर का क्या करेंगे, हमें तो ऐसा पता चला कि फायर के पास में मैन पावर ही नहीं। नहीं अभी काकुरी बंद में हमारे सबसे ज़्यादा जगह महापालिका में मंजूर हुए 385 जगह हमारे से, अभी जैसे ही कोविड खत्म होंगे उसके बाद में जैसे जैसे टप्पे टप्पे से जगह भरे जाएंगे। नई भर्ती अभी आकृति बंद मंजूर होने के बाद नई भर्ती होने से वाली है, ये कोविड महामारी चालू होने की वजह से थोड़ा ये होगा, ये पूरी भर्ती दमदम से टप्पे टप्पे में होने वाली महापालिका में। सर चलते चलते एक सवाल आपसे पूछना था मेरे को, जैसे नासिक का आपने हादसा देखा, नासिक में क्या हुआ, जो नासिक का जो था वहाँ के फायर ब्रिगेड वालों से भी मैंने बात किया, एक्चुअली शॉर्ट जो टेक्निकल है वो वहाँ पर होना जरूरी है, इंजीनियर होना जरूरी है वहाँ पर, जो है तो ड्राइवर जो टैंकर का ड्राइवर है वही आया, उसने ही उसको ये करा, वो कंपनी का एक ये आदमी था उनका जो एजेंट, वो कंपनी को भी इंजीनियर को फ़ोन कर रहा है, ये कर रहा है, जब भी वो क्वाक बंद करना चाहिए, अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो क्वाक बंद करना था उनका काम था, जब भी बंद कर डालना था, उसमें टाइम ज़्यादा जाने की वजह से पूरा ये हो गया, वो टैंकर खाली हो गया, वो टाँकी खाली हो गई, उसके वजह से ये हो आपत्ति होगी वहाँ पर निर्माण। हाँ हादसा हो जो हुआ। सर आपको नहीं लगता है कि जो अपना घाटी अस्पताल है इतना बड़ा मराठवाड़े से लोग वहाँ पर आते हैं, हाँ तो वहाँ पे एक परमानेंट जो है तो फायर की गाड़ी होनी चाहिए। फायर की गाड़ी नहीं, जो नई बिल्डिंग है उसमें पूरा फायर सिस्टम है, जो नई बिल्डिंग जो बनी सेंटर ने जो बनाया उसके अंदर पूरा फायर का पम्प ये वो पूरा टोटल बिल्डिंग में है, और इधर जो है प्राथमिक लेवल पर उनके पास उपकरण है, कौन से ये हॉस्पिटल में कंटिन्यू गाड़ी नहीं रख सकते, यानी अभी धुपकाले के दिन है, हमारा ये कॉल इतने चालू होते हैं, हमारे कॉल इतने बाहर के कॉल आना चालू है कि हमको ये धुपकाले में जलित चालू है, कहाँ पर घास जलता है, कहीं बावड़ी में गिर रहा, कोई तालाब में गिर रहा, यही हमारे पीछे रोज के रोज 4-5 कॉल तो कंटिन्यू चालू है हमारे। चलते चलते एक आखिरी सवाल, हाँ आपके जो बंदे हैं लास्ट टाइम पे भी बहुत मेहनत की है और मुझे पूरी गारंटी है कि एक बार भी जो है तो तैयार है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट ने उनके लिए कुछ सेफ्टी का इंतजाम किया, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं वो ये उनको जो है तो किट दिया जाता था, आरोग्य विभाग से जो अपने को किट मिलते थे उनको दिया जाता था, हैंड ग्लोव्स किट सैनिटाइजर जो उनको लगाने के वो पूरा उधर से मिले, अपने आरोग्य विभाग से मिलता था, जो पथक जाते थे उनको हम देते थे उन लोगों को। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट प्रशासन से इतना बिछड़ा क्यों नजर आता है? नहीं प्रशासन के इस पे तो चलता है फायर ब्रिगेड, उन बिछड़ा नहीं है, नहीं हमारा हम जैसे आपत्ति में समझो डिजास्टर में पूरे जिले के अंदर काम करते हैं, हमको जैसे ही आदेश आता है पुलिस का आता है, कलेक्टर से आता है या तहसील से आता है, उनको हम करना ही लगता है हमको। अब फायर ब्रिगेड बारंगाबाद के अंदर पूरे गाड़े है लेकिन उनके पास मनुष्य बल नहीं है, तालुका लेवल पे पैठन में है, खुलताबाद में है, कन्नड़ में है, वैजापुर में है, सिल्लोड़ में है, इन सब जगह फायर ब्रिगेड है लेकिन वहाँ पर कर्मचारी नहीं है, फायर ब्रिगेड बंदे हुए गाड़ी तैयार है वहाँ पे, उनको ये जो कर्मचारी होना था वो वहाँ पर नहीं है, तो वो पूरी जवाबदारी अपने को ये करते हुए जिले की देखने लगती है, सब तरफ काम करके अपने को करने लगता है। तो औरंगाबाद का जो डिपार्टमेंट है ये पूरे जिले के लिए, ये जिले के भी लिए, और अगर दूसरी यार आपत्ति होती तो औरंगाबाद जालना बीड मराठवाड़ा के अंदर कहीं भी जाने लगता है। जैसा वहाँ के कलेक्टर ने या कंप विभागीय आयुक्त ने बोला वहाँ एक आधे तालाब में बच्चा गिर गया, वहाँ से वहाँ के लोगों से पूरा फर्स्ट एड के टाइम में उनसे नहीं कुछ हुआ, तो फिर आपने को अपने से हमसे नहीं हुआ तो फिर धुलिया की जो टीम है राज्य आपत्ति व्यवस्थापन की वो उसके बाद में, नहीं तो फिर NDRF, इस प्रकार का इसमें ये है काम है। जैसे आपने बोला कि अभी हम भर्ती करवाने वाले हैं पास नहीं वो तो होगा बाद में, वो प्रशासक का काम है वो तो करेंगे, आप मंजूरी होगी तो आज ना कल होने चाहिए, 5 महीने 6 महीने साल के अंदर तो हो सकती है। नहीं आप रिक्वेस्ट भी करेंगे कि नहीं का वो ये नहीं जल इसके अंदर तो कुछ नहीं ना, प्रशासन में भी लोग कम 50% के ऊपर ही ना अभी फिलहाल। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका पूरा नाम और पोस्ट बता दीजिए। मैं चीफ फायर ऑफिसर औरंगाबाद महानगर पालिका RK सुरे, जय हिंद जय महाराष्ट्र। पिछले साल जो COVID-19 महामारी चालू हो गई तो हमको गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया था कि गली गली जहाँ भी पेशेंट निकलते हैं वहाँ पे सैनिटाइज किया जाए, और वैसे जैसे हमारे CFO आदेश देते थे कि या इस एरिया सैनिटाइज करना है, वही एरिया सैनिटाइज करना है, तो वैसे एरिया वाइज हम सैनिटाइज करने जाते थे। और पिछले साल फ्रंट में काम करते हुए
मैं खुद पॉजिटिव हो गया, उसकी वजह से मेरी मम्मी पॉजिटिव हो गई, मेरे जीजाजी पॉजिटिव हो गई, मेरी बच्ची पॉजिटिव हो गई। तो कोरोना से दो हाथ करते हुए मैंने मेरी मम्मी को तो खो दिया, लेकिन अपनी हिम्मत कभी नहीं खोया। और गवर्नमेंट की तरफ से शायद कुछ आर्थिक मदद मिलना चाहिए थी, तो वो भी तो कुछ मिला नहीं। और इस बार भी हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल पता है ना कि जब मैं पॉजिटिव हो गया था तो मैं खुद गवर्नमेंट मेडिकल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वारंटाइन था, तो ऑफिस को तो ये पता ही था। उसके बाद में मेरे मम्मी का देहांत हो गया, ये भी मैंने मतलब बता दिया था। लेकिन अब ये सेकंड लहर आई, तो अभी आप कैसे हिम्मत जुटा पा रहे हैं काम करने की इतना बड़ा हादसा होने के बाद? जी बिल्कुल, हम तो अपनी जान पे खेल के, मतलब जैसा देश के लिए जो अपनी मिलिट्री बॉर्डर पे लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम भी इस सिटी के एक सोल्जर है और हम बिल्कुल सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं और रेडी है। अगरचे अभी तक के तो आपको आदेश नहीं आया है, सर से बात की हमने, लेकिन आदेश आता है तो आप पूरे सक्षम है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। उसी मतलब पूरा फायर ब्रिगेड हमारे चीफ फायर आर के सुरेश साहब के अंडर में बिल्कुल रेडी बैठा है कि आदेश आते ही हम अपना काम शुरू कर दें। आपका पूरा नाम और पोस्ट बताइए। जी, मैं राजेंद्र दौलत राव निकाल जी अग्निशमन दल में जवान बोल के काम करता हूँ।